हेलो दोस्तों, तो आप लोग को अगले वीडियो में आप लोग को एनसीईआरटी क्लास 12th का 5.2 से आप लोग को कहे थे एक्सरसाइज में बना करके आए, और यदि आपने नहीं बनाए हैं तो इसे हम लोग आज देखते हैं कैसे इसे हम लोग बनाएंगे। आप लोग को साथ ही साथ लिखे हैं, और जो नहीं बनेगा उसमें से आप लोग अगले वीडियो में हमसे पूछ लीजिएगा। तो सबसे पहले है, पहला क्वेश्चन है वो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। सबसे पहले इसे हम लोग वाई बराबर मान लेंगे। माना कि वाई बराबर कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन का नियम कहता है कि जब अवकलन हम लोग तभी करेंगे, तो अवकलन करते हैं तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 बटा डी एक्स। तो चलिए डी वाई बटा डी एक्स। एक बात पर आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे कि आप लोग को पिछले क्लास में पढ़ाए थे डी कॉस थीटा बटा डी थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। कहने का मतलब है कि कॉस के बाद जो आवे वो टोटल नीचे रहेगा, तब उसका अवकलन माइनस साइन थीटा होगा। तो कॉस के बाद आपको आया एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 5 नीचे है? देख लीजिए, तो आपको नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 नीचे नहीं है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 नीचे लाइए। तो डी कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, अपना मन से ये भागा दिए हैं तो अपना मन से गुना करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 बटा डी। ये वाला सी वाला कैंसिल, तो वही वाला तो ऊपर वाला चीज है आपका। तो कहने का मतलब है कि त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के बाद जो आए वो नीचे थीटा में रहना चाहिए, यदि नहीं है तो उसको जबरदस्ती पकड़ के लाइए। चलिए अब इसका अवकलन करेंगे। तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर, अब यहां देखिए कॉस का माइनस साइन कोणमा को सेम लिख देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन कैसे करेंगे? तो डी एक्स के पावर एन बटा डी एक्स। तो चलिए डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स प्लस डी फाइव और वाई डी एक्स। तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, अब 5 का अवकलन 0। चलिए तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर माइनस 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 आंसर। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कॉस साइन एक्स। सबसे पहले इसको क्या करना है, हमको पहला काम वाई बराबर मान लेना। माना कि चलिए डी वाई बटा यहां लिखना पड़ेगा, दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी कॉस साइन एक्स बटा डी एक्स बराबर डी कॉस साइन एक्स बटा डी। अब यहां ध्यान रखा कीजिए कि कॉस के बाद जो आया वो नीचे, कॉस के बाद जो आया वो नीचे, तो जो आया उसको नीचे लेके चलाइए।
त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के बाद जो आवे उसको नीचे पहले लेके चलाना, फिर ये अपना मन से लाए तो अपना मन से इतना गुना कीजिए। साइन के बाद कौन मिला एक्स, उसको नीचे ले आइए बराबर कॉस का माइनस साइन साइन एक्स इंटू साइन का अवकलन कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू साइन साइन एक्स आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एनसीईआरटी में तीसरा नंबर क्वेश्चन अपने आप बनाइएगा, हम आपको अब चौथा नंबर बता देते हैं। चौथा वो सेक टाइन रूट एक्स, सबसे पहले इसको मान लीजिए सेक टाइन रूट एक्स दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जैसी करेंगे तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी सेक टाइन रूट एक्स बटा डी एक्स बराबर डी सेक टाइन रूट एक्स बटा डी। अब यहां देखिए सेक के बाद ये मिला आपको त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के बाद जो मिले उसको नीचे कर देना, यही आपको सोचना है बस और कुछ नहीं है। त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के बाद जो मिले सबसे पहले उसको आप लोग उसको क्या करना है कि आप लोग को काम रहेगा कि उसको नीचे ले आना। सेक के बाद जो आया वो टोटल बंडल नीचे टाइन रूट एक्स इन टू, फिर ये टोटल को ऊपर ले जाइए डी टेन रूट एक्स ऊपर ले गए तो फिर आपको त्रिकोणमितीय निष्पत्ति मिली, तो फिर इसको नीचे कीजिए। त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के बाद रूट एक्स मिला फिर अरा ऊपर ले जाइए, अब अटा रूट के अंदर में कौन है एक्स। चलिए अब अवकलन सेक का अवकलन क्या पढ़े हैं, सेक एक्स इंटू टेन एक्स 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 के जगह पर सेक एक्स इंटू टाइम एक्स एक्स के जगह पर ये टोटल इंटू से डी, याद कीजिए डी सेक थीटा अब अटा डी थीटा बराबर सेक थीटा इंटू टाइम थीटा पढ़ाए हैं। तो अब देखिए सेक के बाद जो आता है वो नीचे है तो सेक थीटा और इंटू टाइन थीटा चाहिए, तो सेक के बाद इसका मतलब है एक बार सेक थीटा और एक बार टाइन थीटा और थीटा की जगह पर ये टोटल बंडल था तो गया सेक थीटा इंटू टाइन थीटा, फिर टाइन का कीजिए तो टाइन का अवकलन सेक स्क्वायर रूट एक्स फिर रूट एक्स का वन बाई टू रूट एक्स बराबर। इसको हल करेंगे तो सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू बस खाली सरिया के लिख रहे हैं इंटू टाइन टाइन रूट एक्स इंटू सेक इंटू टाइन रूट एक्स अब बटा टू रूट एक्स, यही आंसर। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब आप लोग को हम क्वेश्चन नंबर पांचवा देखते हैं।
चलिए cos cx plus d, इसको बनाने के लिए हड़बड़ाने की बात नहीं है, सबसे पहले y बराबर मान लेंगे, इसके बाद x के सापेक्ष इसको हम लोग अवकलन करेंगे। दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कीजिए dy बटा dx बराबर अंश बटा हर, अंश बटा हर पर बनेगा d sin ax प्लस बी बटा cos cx प्लस d। इसको ध्यान रखेंगे अंश बटा हर पर अवकलन इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो याद कीजिए du बटा v बटा dx बराबर एक फार्मूला पढ़ाए थे, u बाहर हर का स्क्वायर हर बाहर, अंश का अवकलन माइनस अंश बाहर हर का अवकलन, इसी पर इसको हमको बनाना पड़ेगा। तो चलिए dy बटा dx बराबर अंश बटा हर में हर का स्क्वायर होता है, हर को स्क्वायर कर लेंगे cos स्क्वायर cx प्लस d, हर बाहर तो हर के स्थान पर ये टोटल है इसको बाहर कर लीजिए, अंश का अवकलन तो अंश में कौन है d sin ax प्लस बी बटा डी एक्स, माइनस अंश बाहर अंश के स्थान पर कौन है sin ax प्लस बी इंटू हर का अवकलन हर में कौन है d cos cx प्लस d। चलिए अब इसको आप लोग सॉल्यूशन करोगे तो dy बटा dx बराबर cos cx प्लस d इंटू साइन का अवकलन क्या पढ़े हैं, तो साइन का अवकलन पढ़ा है cos, ये कौन टोटल को लिख देना है ax प्लस b इंटू, फिर देखिए ये तो साइन क्या हुआ, फिर साइन के अंदर वाला के कीजिए तो ए एक्स का अवकलन ए और अचर राशि का अवकलन जीरो माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू, अब यहां देखिए कौन है कॉस, तो कॉस का अवकलन माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस साइन सी एक्स प्लस डी, माइनस माइनस यहां प्लस हो गया इंटू, फिर सी एक्स का C और D का अवकलन जीरो होता है बटा cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, अब यहां से कर दीजिए ये टोटल एक पद और इतना एक पद है, यहां से का कीजिए कि बंटवारा कर दीजिए दोनों पद को अपने आप आंसर मिल जाएगा, तो चलिए बंटवारा करने चले cos सी एक्स प्लस डी इंटू cos ए एक्स प्लस बी इंटू ए बटा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी प्लस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी बटा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक ओर से ये कैंसिल, तो आप देखिए यहां एगो बचा तो वन बटा कॉस बराबर सेक सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए प्लस, यहां देखिए सी अचर राशि को पहले लिख दिए इंटू साइन सी एक्स प्लस डी या कॉस सी एक्स प्लस डी, तो साइन बटा कॉस बराबर टैन, तो टैन सी एक्स प्लस डी इंटू में बच गया साइन ए एक्स प्लस बी इंटू, अब देखिए यहां पे साइन बटा कॉस बराबर टेन किए थे लेकिन यहां कॉस दो गो था तो एगो तो बच जाएगा, तो एगो बचेगा तो वन बटा कॉस बराबर वन बटा कॉस बराबर होता है सेक, हो जाएगा आपका सी एक्स प्लस डी, इतना ही आपका आंसर देखा हो, तो आप लोग
और बाकी सब हम हिसाब को छोड़ देते हैं, 5 तक आपका क्लियर कर दिए, आप लोग 7-8 तक है, इसको आप क्लियर कर लीजिएगा ताकि हम अगले क्लास में अगले चैप्टर आरंभ कर सकें और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।